हाय दोस्तों, मैं हूं सुभाष। इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो इंग्लिश होती है उसे बहुत आसानी से आप घर बैठे पढ़ सकते हो। ये जो बड़ी success.com है, इस पे बहुत आसानी से घर बैठे पढ़ा जा सकता है। बाकी कोई भी दिक्कत आए, मैं अपना नंबर देता ही हूँ, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो कुछ भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, आज हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन टॉपिक है नाउन अर्थात नेमिंग वर्ड। ये बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। देखो, समझना ज्यादा है और मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब मेरी क्लास की खास बात क्या है कि ये पढ़ा हुआ पढ़ना है यदि आपको, तो ये तो बड़ी सक्सेस पे पढ़ सकते हो। आप कोई सी भी किताब खरीद सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। मेन चीज है याद होना, तो याद होना चाहिए। अब नाउन का मतलब क्या है? प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, ये लिखा हुआ है। इसका सिंपल लॉजिक समझो कि हमने किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को नाम क्यों दिया। इसलिए नाम दिया, जैसे मैं कहूं कि ये चश्मा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चश्मा है। तो एक ही नाम देने से क्या फायदा हुआ कि सब लोगों को जानकारी है। यदि मैं आपको बोलूं एक बोतल लेके आइए तो आपको पता है कि बोतल किसको बोलते हैं। तो बोतल क्या हुआ? एक वस्तु का नाम हुआ, तो ये नाउन है। जिस भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का या आपकी फीलिंग्स है उसका जो नाम है, वो जो नाम है वो नाउन है। सिंपल एकदम से, ठीक है। अब नाउन कितने तरह के होते हैं तो हम आगे देखें। ये नाउन की परिभाषा हो गई। जैसे राजू, हैप्पीनेस, गोल्ड, कॉलेज, टी, क्रिकेट, टीम, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। नाउन कितने तरह के होते हैं? तो 5 तरह के होते हैं। बहुत आसानी से याद कर लीजिएगा। इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस याद होना चाहिए। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति या स्थान का जो पर्टिकुलर नाम है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा वहां उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, कैपिटल होगा। मतलब व्यक्ति या स्थान, जैसे राम, सीता, गीता, इंडिया, उज्जैन, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। सिंपल एकदम से। ये कहीं भी आएगा, शुरू में आए, बीच में आए, आखिरी में आए, इसका पहला अक्षर जो है, फर्स्ट लेटर जो है, कैपिटल होगा। तो प्रॉपर नाउन एकदम अलग हो गया सबसे, ठीक है। आगे बढ़े तो कॉमन नाउन है। वो कॉमन नाउन से पहले बाकी समझिए, तो कॉमन नाउन आसानी से हट जाएगा। मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल आप समझते हो। देखो, मटेरियल में क्या आएगा? शुगर, राइस, आयरन, कॉपर, वाटर, एयर, ये सब क्या है? मटेरियल है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन अलग हो गया, उससे अलग क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। वो आगे देखें तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन में रहेगा, ग्रुप में रहेगा। ग्रुप में रहेगा, देखो, टीम है, फ्लोक, हर्ड, जूरी, ये सब क्या है? ग्रुप है। ग्रुप है तो क्या है? ये कलेक्टिव नाउन। मतलब पहला प्रॉपर नाउन अलग हो गया, दूसरा मटेरियल, तो मटेरियल नाउन हो गया, तीसरा कलेक्शन में, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब क्या बचा? तो अब जो कुछ भी बचा वो सब क्या है? नाउन, कॉमन नाउन है। मीन्स एक झोले से आप उदाहरण से समझ लो कि एक झोले में नाउन रखे हुए हैं, हमने उसमें से नाउन निकाला, तो पहला निकला व्यक्ति और वस्तु का स्थान का नाम, तो उसको हमने बोल दिया कि ये प्रॉपर नाउन है। फिर हमने हाथ डाला तो मटेरियल हाथ में आए, तो हमने बोल दिया मटेरियल नाउन है। अब उसमें जो बचा था हमने फिर से निकाला, तो फिर कलेक्टिव नाउन, ग्रुप वाले निकले, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जो कुछ बचा है उसमें हमने वो क्या देखा? कॉमन नाउन है। अब उस कॉमन नाउन को हमने सब निकाल दिया, मीन्स हमारा जो झोला है वो खाली हो गया, लेकिन फिर भी उसमें वजन है। अब वजन होने का मतलब क्या है? कि इसमें अभी भी कुछ है। तो बचा क्या? बचा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है? वो दिखता नहीं है, होता है। अब दिखता नहीं है का मतलब क्या? जैसे लव, जैसे फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे ऑनेस्टी, जैसे वर्च्यू मतलब गुण, जैसे पावर्टी, ये सब क्या है? फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो ये दिखते नहीं है, दिखते नहीं है, इसलिए क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो ये 5 तरह के नाउन होते हैं, आपको आसानी से याद रखना है, ये आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। बड़ी सक्सेस पे आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब देखो, आधुनिक अंग्रेजी में नाउन के 3 प्रकार होते हैं। मतलब हमने 5 प्रकार देखे, उन्हीं 5 को आधुनिक अंग्रेजी में 3 प्रकार बना दिए। कैसे? पहला तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आपको पता है, व्यक्ति या स्थान का नाम जो है क्या है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। बचे हुए जो 4 नाउन थे उनको इन्होंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डाल दिया। जैसे देखो, काउंटेबल जिसको गिन सके, तो गिन किसको सकते हैं हम? एक तो कॉमन नाउन को गिन सकते हैं हम, दूसरा हम कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए? कॉमन नाउन हो, ये काउंटेबल नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं? तो देखो, जिसकी गणना ना कर सके, जिसको गिन ना सके, तो अनकाउंटेबल उनमें से कौन थे? एक तो थे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते। दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको भी गिन नहीं सकते। तो काउंट
अनकाउंटेबल में कौन आया? अनकाउंटेबल में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। और काउंटेबल नाउन में कौन आ गया? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और आगे चले। नाउन के दो नंबर होते हैं, नाउन के दो नंबर होते हैं। नंबर मतलब सिंगुलर और प्लुरल, दो नंबर है सिंबल। सिंगुलर मतलब जो एक बताए, और प्लुरल मीन्स मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा हो, दो भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगुलर जिससे एक होने का बोध हो, तो पेन, तो अ पेन, अ बॉल, सिंपल। प्लुरल मतलब एक से अधिक होने का, तो पेन का पेन्स हो गया, बॉल का बॉल्स हो गया। अब सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम है, मतलब यदि सिंगुलर है तो उसको प्लुरल हम बनाएंगे कैसे, उसके कुछ नियम है, आठ नियम है। आठ नियम आपको, ज्यादा नियम याद नहीं करना है आपको, सिंपल याद रखना है। जितने नाउन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी मैंने यहां लिख दिए हैं, तो आपको प्रॉपर वो याद होना चाहिए कि इसको ऐसे बनाते, बस। जैसे सिंगुलर नाउन है तो उसमें सिंपल एस जोड़ के, जो हमको सबको याद है, एस जोड़ना है। तो केप है तो केप्स हो गया, सॉन्ग है तो सॉन्ग्स हो गया, हेट है तो हेट्स हो गया, गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, बेग बेग्स हो गया, बॉय बॉयज हो गया, काऊ काउज, डॉल डॉल्स, पेन पेन्स, कार कार्स, पेंसिल पेंसिल्स, डॉग डॉग्स, बुक बुक्स, हेन हेन्स। सिंपल है, एस लगाया हमने, प्लुरल बन गया। अब दूसरा नियम देखो, दूसरे नियम में क्या बोल रहा है वो, नाउन के अंत में या तो एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो, एस एच हो, एस हो, ओ हो, जेड हो, तो क्या होगा इसमें, हमको ई एस लगाना है। मतलब कितने हो गए, देखो सात चीजें हैं, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस, ओ, जेड। अब यहां देखो, जैसे मैच है, सी एच आ रहा है, तो मैच में मैचेस, ई एस लगाया हमने। दूसरा देखो, टोपाज, जेड आया, तो ई एस लगाया, टोपाज एस। वॉच, वॉचेस। टैक्स, एक्स आ गया आखिरी में, तो टैक्सेस। ब्रश, ब्रशेस। बेंच, बेंचेस। चर्च, चर्चेस। हॉर्स, हॉर्सेस। क्लास, क्लासेस। मैंगो, मैंगोज। बॉक्स, बॉक्सेस। हीरो, हीरोज। फॉक्स, फॉक्सेस। बस, बसेस। सिंपल ई एस लगा रहे हैं। अब इसमें एक नोट है, ये नोट जरूर ध्यान रखना है हमको। हमने क्या बोला कि नाउन जिसके अंत में सी एच आए तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। लेकिन इस सी एच का उच्चारण क्या किया हमने, जैसे वॉच, जैसे चर्च, तो च किया। लेकिन यदि इस सी एच का उच्चारण हम क्या करें, क करें, मतलब के की तरह क, तो फिर हमको सिर्फ एस लगाना है, सिंपल। तो यहां उदाहरण दिया मैंने, मोनार्क। देखिए सी एच है तो ये मोनार्च नहीं है, मोनार्क है। मोनार्क मीन्स राजा होता है, मोनार्की मतलब राजतंत्र होता है। तो मोनार्क क है, तो इसलिए देखिए हमने सिर्फ एस लगाया। ऐसे ही स्टमक, आप जानते हैं पेट को हम क्या बोलते हैं, स्टमक। ये सी एच है लेकिन क पड़ा, स्टमक, तो हमने क्या लगाया, सिर्फ एस, स्टमक। कोंक, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये है कोंक, कोंच नहीं पढ़ना है, कोंक। कोंक ये शंख होता है, तो कोंक में हमने क्या लगाया, एस। क्यों? क्योंकि सी एच का उच्चारण क्या बोल रहे हैं हम, क। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण देख ले। तीन नंबर पे हमारा ना उन क्या कहता है, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो उस एफ और एफ ई को हटा के हम क्या लगा देते हैं, वी और साथ में ई एस। मतलब एफ एफ ई को हटा के हमको वी ई एस लगाना है, सिंपल। उदाहरण देखो, लाइफ है तो एफ ई को हटा के क्या कर दिया, वी ई एस, लाइफ, लाइव्स। शेल्फ, शेल्फ्स। देखिए एफ है सिर्फ, एफ को हटा के वी ई एस। नाइफ, एफ ई को हटाकर वी ई एस, नाइफ, नाइव्स। एल्फ, एल्फ्स। और आगे चले, माइसेल्फ, माइसेल्फ। अब देखिए इसमें एफ है फिर भी एफ ही लगा, सेल्फ ही लगा रखा है, वी एस क्यों नहीं किया? ध्यान रखिएगा माइसेल्फ जो है वो सिंगुलर है, यदि सिंगुलर है तो उसको हम प्लुरल बना ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो तो चेंज हो गई नहीं ना। सेल्फ का सेल्फ्स होता है, लेकिन माइसेल्फ का माइसेल्फ ही रहेगा। काफ, तो काउस हो जाएगा, देखिए एफ है, वी ई एस हो गया। वाइफ, वाइव्स। लोप, लोस। ये लोप क्या होता है, रोटी के टुकड़े होते हैं, उसको लोप बोलते हैं। वुल्फ, वुल्फ्स। एफ है, वी ई एस कर दिया। लीफ, लीव्स। ये लीफ एक पत्ती, लीव्स अनेक पत्तियां। ये लीव्स छुट्टी की भी स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। चौथा नियम क्या बोलता है हमारा, नाउन जिसके अंत में वाय हो, वाय हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, अर्थात व्यंजन हो।
तो कॉन्सोनेंट है यदि, तो हम क्या करेंगे वाई को आई ई एस में बदलकर, जैसे अभी ऊपर क्या किया था हमने, एफ या एफ ई को वी ई एस बदला था, ऐसे ही वाई को हटा के क्या कर देना है, वी आई ई एस, जैसे क्राई तो वाई हटा के आई ई एस लगाए जाए, क्राई क्राइस, सिटी सिटीज, स्पाई स्पाइस, ये स्पाई मतलब जासूस होता है, ड्यूटी ड्यूटीज, स्टोरी स्टोरीज, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, फ्लाई फ्लाईज। अब फ्लाई मतलब उड़ना मत सीखिएगा, फ्लाई जो वर्ब होती है वो उड़ना है, ये फ्लाई मतलब मक्खी को बोलते हैं, जैसे हाउस फ्लाई होती है ना, घर में मक्खियां होती है तो उसको हाउस फ्लाईज बोलते हैं, तो ये फ्लाई मतलब मक्खी या अनेक मक्खियां। आर्मी आर्मीज, तो वाई हटा के आई ई एस, लेकिन कब, जब वाई से पहले कंसोनेंट हो, लेकिन यदि वाई के पहले कोई वावेल हो तो सिर्फ एस लगाना है, फिर आई ई एस नहीं करना। सिंगुलर तो की कीज, देखे वाई के पहले ई है मींस वावेल है, तो वावेल है तो हमने क्या कर दिया, कीज। मंकी, देखिए वाई के पहले ई है मतलब वावेल है, तो हमने मंकी सिर्फ एस लगाया। रे रेस, प्ले प्लेस, अब जैसे ऊपर फ्लाई देखा वो वर्ब नहीं था, नाउन था, ऐसे ये प्ले है, प्ले मीन्स ये वर्ब नहीं है, खेलना नहीं है अभी, ये प्ले मीन्स है ड्रामा, ड्रामा कोई नाटक होता है ना उसको भी हम प्ले बोलते हैं, इसीलिए प्ले राइटर होता है। तो प्ले का प्लेस, बॉय बॉयस, वेली वेलीज, वेली मीन्स घाटी, टॉय टॉयस। अब पांचवा नियम क्या बोलता है, कुछ नाउन अजीब ढंग से प्लुगल बनते हैं, मतलब उसको हम एक नियम में बांध नहीं सकते, अजीब ढंग कैसा जरा देखो, जैसे वुमन का विमन, अब देखो ये एम ए एन था, एम ई एन कर दे, मतलब ए को ई कर दिया, अब कोई नियम कैसे बनाओगे आप इसका, तो ये सीधे याद कर लेना है, जैसे ये लाउस है तो लाइस हो गया, ये एस नहीं आना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, तो ये लाउस है लाइस, ठीक है। लाउस मतलब क्या होती है, जुएं होती है ना, सर में जुआ हो जाती है, उसको लाउस बोलते हैं, ये उसका प्लुगल फॉर्म है लाइस। तो आप एग्जाम में वहां प्लुगल लिखा हुआ आया, जैसे मेनी लाउस लिख दिया उसने, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लाउस की जगह पे लाइस होना चाहिए, वरना क्या होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। आगे चले, गूस गीस, ये पक्षी होता है, डबल ओ देखिए, डबल ई बन गया, जैसे ये टूथ में टीथ, ऐसा का ऐसा ही है। ये चाइल्ड तो चिल्ड्रन, बहुवचन चाइल्ड का जो होता है वो चिल्ड्रन होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में कैसा होता है, वो सिंगुलर बोलेगा और लिखेगा चिल्ड्रन, तो आपको ध्यान होना चाहिए चिल्ड्रन प्लुगल है, सिंगुलर उसका चाइल्ड है। माउस माइस, जैसे ऊपर लाउस पड़ा ना, लाउस लाइस, वैसे ये माउस माइस, माउस चूहा होता है जानते हो आप। फुट फीट, ये देखो टूथ टीथ, फुट फीट, गूस गीस। और आगे चलो, वुमन का वुमन देखा था, ये मेन का मेन, एक ही जगह ई कर दिया हमने। छठे नंबर का देख लो, कंपाउंड नाउन का प्लुगल उसके रूट शब्द को प्लुगल बना के किया जाता है। अब कंपाउंड नाउन तो हमने ऊपर पढ़ा ही नहीं, तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड का सेंस है एक से ज्यादा शब्द, यदि एक से ज्यादा हो तो वो क्या बन गया, कंपाउंड। तो यदि कंपाउंड नाउन आया तो उसमें जो रूट वर्ड है उस रूट वर्ड को प्लुगल बनाना है, ठीक है। जैसे सिस्टर इन ला, अब सिस्टर इन ला में रूट वर्ड क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर का सिस्टर्स कर दिया, कॉमन नाउन ने सिंपल से एस लगा दिया, सिस्टर को सिस्टर्स कर दिया, तो ये प्लुगल बन गया। जैसे इंजीनियर इन चीफ, तो रूट वर्ड क्या है, इंजीनियर, तो इंजीनियर्स कर दिया। चीफ मिनिस्टर, अब देखिए इसमें रूट वर्ड मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर्स किया हमने। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर रूट वर्ड है, कमांडर्स इन चीफ। हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन। और आगे चलो, पासर बाय, तो पासर्स बाय, ठीक है। मेड सर्वेंट, ये सर्वेंट रूट वर्ड है, सर्वेंट्स कर दिया। स्टेप सन, तो ये रूट वर्ड कौन हुआ, सन, तो ये स्टेप सन्स। ऐसे ही स्टेप मदर होती है, तो मदर रूट वर्ड है, तो स्टेप मदर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड नाउन जो मेन तथा वुमन से बने हो, मतलब ऐसे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मतलब क्या, एक से ज्यादा वर्ड। अब ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें मेन और वुमन आए, तो फिर उनके दोनों पार्ट्स को प्लुगल बनाना है, क्योंकि दोनों रूट वर्ड हो जाते हैं। जैसे वुमन डॉक्टर, अब डॉक्टर है तो डॉक्टर्स होगा, और वुमन है तो एक ही जगह ई आएगा, हम देख ही चुके। वुमन सर्वेंट, तो वुमन सर्वेंट्स, वुमन को भी प्लुगल बनाया, सर्वेंट को भी प्लुगल बनाया।
मेन ड्राइवर, तो मेन को भी प्लुरल किया, ड्राइवर को भी प्लुरल किया। मेन टीचर, तो मेन टीचर्स। मेन ईटर, मेन ईटर्स। वुमन हेटर, वुमन हेटर्स। ठीक है, क्लियर है? वो आगे चले, ये बड़ी सक्सेस .com पे सब पढ़ सकते हो आप डिटेल में आराम से। सातवां, किसी अक्षर मीन्स लेटर, अक्षर, अंक, संक्षिप्त शब्द और शब्द के अंत में एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। मतलब जैसे पी, पी क्या है, एक लेटर है, एक अक्षर है, एक से ज्यादा पी बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, तो पी में एपोस्ट्रॉफ, ये जो कामा जैसा लगा है ना ऊपर, इसको एपोस्ट्रॉफ कहा जाता है, स्पेलिंग ये है एपोस्ट्रॉफ एस, तो ये एक से ज्यादा पी हो गई। के का केस, जे का जेस, टी का टीज, थ्री, अब ये अंक आ गया, देखो थ्री, एक से ज्यादा तीन हो तो कैसे बोलोगे, तो थ्रीज। सेवन, सेवंस, एम ए, ये संक्षिप्त हो गया, तो एम एस। एस डी ओ, एस डी ओस, बी ए, बी एस, इफ, इफ्स, बट, बट्स। उदाहरण से देख लो, हाउ मेनी इफ्स एंड बट्स डू यू हैव। अब डू यू, देखो हाउ मेनी लिखा ना, हाउ मेनी मतलब कितने, मतलब बहुवचन चाहिए, प्लुरल चाहिए। अब यदि मैं इफ और बट लिख देता, जैसे मैंने लिखा इफ और बट, यदि हम लिखते तो क्या होता, गलत होता, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए प्लुरल, तो इफ का प्लुरल क्या है, इफ्स, और बट का बट्स। देयर वर थ्री बी एस एंड टू एम एस इन दैट ऑफिस, मतलब उस ऑफिस में तीन तो बी ए हैं और दो एम ए हैं, तो तीन बी ए को कैसे बताया, बी एस। देयर आर टू एम्स एंड टू ईज इन द वर्ड कमेटी। अब देखो कमेटी शब्द है, कमेटी शब्द में दो तो एम है, दो ई है, साथ में दो टी भी लिख सकते थे, टू टीज, ठीक है, तो दो एम को कैसे लिखा, एम्स, ईज, ठीक है, वो आ गया। कुछ नाउन है जिनका प्लुरल अनियमित होता है, अनियमित मतलब ये ऐसे नाउन है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनको गिनती के हैं, इनको मैंने लिख दिए हैं, इनको आपको सीधे बार बार पढ़ के याद कर लेना है, इनका प्रोनंसिएशन के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बोलने में ज्यादा आते नहीं है। तो एजेंडम, देखिए डी यू एम है, ये एजेंडा हो गया, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। डेटम या डेटा, उसका प्लुरल डेटा ही है, मतलब सिंगुलर में क्या लिखेगा, डेटम, जैसे एजेंडम लिखा था ना ऐसे ही डेटम, डेटा। कोरम, कोरम्स, अब देखिए यहां वो चेंज कर रहा था ये, लेकिन यहां यूएम है तो भी उसने एस लगा दिया है। करिकुलम, करिकुलम्स या करिकुला, मतलब दोनों तरीके से बदला, यूएम है तो यूएम में एक तो ये तरीका अपना लिया सिर्फ एस लगा दिया, दूसरा ये तरीका अपना लिया कि ए लगा दिया। देखिए एनालिसिस, इसमें देखिए एस आई एस है तो ये सिंगुलर है, और आप एस ई एस कर दोगे तो ये प्लुरल हो जाएगा, तो एनालिसिस पढ़ते नॉर्मल जो एक वर्ड है एनालिसिस, तो वो एनालिसिस ही बोलेंगे, वो ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। हाइपोथिसिस, तो आई एस को देखो ई एस कर दिया, हाइपोथिसिस। क्राइस, क्राइसिस, एस आई एस, एस ई एस, क्राइसिस, क्राइसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहा जाता है हमेशा, तो ये वाला बोलते हैं हम, लेकिन ये प्लुरल है, सिंगुलर होगा क्राइटेरियन, ओ एन लगाना है। बैक्टेरियम, आपने हमेशा क्या पढ़ा, बैक्टेरिया, ये प्लुरल है बैक्टेरिया, इसका सिंगुलर बैक्टेरियम, और आगे चलो। तो मोमेंटम, मोमेंटा। डिक्टम, डिक्टम्स या डिक्टा। मीडियम, मीडियम्स या मीडिया, जैसे करिकुलम का करिकुलम्स और करिकुला था वैसे ही। एक्सिस, फिर आई एस आ गया, ई एस कर दिया। ओएसिस, देखिए एस आई एस को एस ई एस। बेसिस, बेसिस, ये ओएसिस क्या होता है भाई, ये जो रेगिस्तान में कहीं गिनती की जगह पानी होता है ना, झाड़ वाड़ होते हैं, पानी होता है थोड़ा, उसको ओएसिस कहा जाता है। सिनोप्सिस, सिनोप्सिस। थीसिस, थीसिस। तो ये यदि डिटेल में पढ़ना है तो ये सब कहां मिल जाएगा, बड़ी सक्सेस .com पर। और आगे चलो, अब जेंडर पढ़ लेते हैं हम। जेंडर क्या, जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो सके उसे जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में नाउन के चार जेंडर है, सिंपल है, चार जेंडर है, चारों अभी के अभी याद कर लेना। पहला क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चारों एक साथ दिखेंगे। पहला मैस्कुलाइन जेंडर, मतलब पुगलिंग, जिससे नर अथवा पुरुष जाति का बोध हो तो उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे डॉग, ओक्स, हॉर्स, फादर, सन। फेमिनाइन, तो स्त्रीलिंग, जिससे मादा अथवा स्त्री जाति का बोध हो तो फेमिनाइन हो जाएगा, तो वुमन, मदर, बीच, गर्ल। न्यूटर जेंडर,
तो नपुसक लिंग निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को, मतलब निर्जीव वस्तु हो या कोई पदार्थ हो उसका जो जेंडर बताना है, तो वो जेंडर क्या रहेगा, न्यूटर जेंडर रहेगा। कॉमन जेंडर मतलब उभय लिंग, मतलब दोनों आए जिसमें, जिसमें पुरुष अथवा स्त्री दोनों जाति का बोध हो। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर लेडी भी होगी और जेंट भी होगा। स्टूडेंट, प्लेयर, एलिफेंट, चाइल्ड, क्लियर हुआ जेंडर, चारों जेंडर, पहला मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। ये याद क्यों करना है, ये वर्ड याद क्यों रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे जब एक नियम पढ़ेंगे हम, तो नियम में लिखा हुआ आएगा कि यहां पर मेस्कुलाइन जेंडर चाहिए। तो अब आपको यदि पता नहीं होगा कि मेस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कैसे? वो आगे चलो, थोड़े कॉमन है जिन्हें याद करना जरूरी है हमें। कुछ खास मेस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर मैंने लिख दिए हैं, इन्हें याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे सर का मैडम, लॉर्ड का लेडी, हीरो हीरोइन, किंग क्वीन, मैन वुमन, सिस्टर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सन डॉटर, मास्टर मिस्ट्रेस, मास्टर का क्या हुआ, मिस्ट्रेस, मेल फीमेल। और आगे चलो, हस्बैंड वाइफ, नेफ्यू निस, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, निस स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एन आई सी ई होता तो ये नाइस होता, एन आई ई सी ई है, तो निस मतलब भतीजी या भांजी, अंकल आंट या आंटी, बॉय गर्ल, विडोअर विडो, विडो मींस विधवा जिसके पति की डेथ हो गई हो, विडोअर जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, ड्यूक डचेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, हॉर्स मेयर, हॉर्स मींस घोड़ा, मेयर मींस घोड़ी, और वो एम ए वाई ओ आर होता है, हो जो शहर का मेयर होता है, इसकी स्पेलिंग अलग है ध्यान रखना, ये मेयर है वो मेयर है, टाइगर टाइग्रेस, ही बियर शी बियर, बियर मीन्स भालू, तो ही बियर मतलब पुरुष वाला हो गया, शी बियर मतलब मादा हो गई, विजार्ड और विच, विच मतलब क्या होता है, जादूगरनी, विजार्ड मतलब जो पुरुष जादूगर होता है, मेजिशियन से बड़ा, उसको बोलते हैं विजार्ड, फोक्स विक्सन। अब देखिए, हम लोमड़ी मतलब फोक्स बोलते हैं हमेशा, लेकिन फोक्स कौन है, पुरुष है, विक्सन मादा लोमड़ी जो होती है उसको विक्सन बोलते हैं। रेम और ईव, अब इसको राम भी पढ़ सकते हैं, रेम भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, राम तो राम भगवान हो जाएंगे, ये रेम है आगे एम, और ये यू पढ़ते हैं इसको, यू लिख दिया है मैंने इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यदि आप इसको ईयू पढ़ोगे, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो ईयूस पढ़ने से क्या होगा, आर्टिकल आप क्या लगाओगे, आर्टिकल आप ईयू पढ़ोगे तो वावेल साउंड हो गया, वावेल साउंड हो गया तो आप एन लगा दोगे, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, यू, यू पढ़ेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये गलती ना हो ध्यान रखिएगा, इसे यू पढ़ते हैं। ये होती है भेड़, मतलब मादा भेड़ को यू बोलेंगे, और पुरुष भेड़ जो होता है वो रेम कहलाता है। और आगे चलें, बुल काऊ, पोएट पोएटेस, लॉयन लॉयनेस, एक्टर एक्ट्रेस, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मीन्स दुल्हन, एम्परर साम्राज्य सम्राट, और ये एम्प्रेस साम्राज्ञी, हंटर हंट्रेस, डॉग बिच, कॉक हैन, पी कॉक पी हैन, ये मोर है, ये मोरनी है, मोंक नन, अर्ल काउंटेस, बेचलर मेड या स्पिंस्टर, बेचलर मतलब कुंवारा, पुरुष बताता है कुंवारा, ये कुंवारी के लिए मेड भी यूज करते हैं, स्पिंस्टर भी यूज करते हैं, प्रिंस प्रिंसेस, कॉक स्पेरो हैन स्पेरो, मैन सर्वेंट वुमन सर्वेंट, ही गोट शी गोट, बुल काप काउ काफ, काप मतलब बछड़ा होता है, तो बुल काप मतलब बछड़ा और काउ काप मतलब बछड़ी, ठीक है, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, मिल्कमैन मिल्कमेड, होस्ट होस्टेस, गॉड गॉडेस, एयर, इस वर्ड को ध्यान करिएगा, एयर एयर पढ़ते हैं, हेयर नहीं पढ़ना है, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, अब एयर पढ़ा है तो आर्टिकल में दिक्कत आएगी, यदि हेयर पढ़ोगे तो वावेल कंसोनेंट साउंड आ गया तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, लेकिन एयर पढ़ोगे तो एन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो एयर एयरेस, प्रिस्ट प्रिस्टेस, गेंट गेंटेस, ठीक है, वो आगे चले,
लास्ट पढ़े आज का, दो भाग में बनाएंगे नाउन को ताकि आप आसानी से पढ़ सको। एपोस्ट्रॉफ एस, ये एपोस्ट्रॉफ एस का कुछ उपयोग है, पजेसिव केस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग वो देख लेते हैं हम आज। अधिकार सूचक बनाने के लिए, अधिकार सूचक जैसे कैसा होता है, पजेसिव प्रोनाउन आप पढ़ोगे आगे, जैसे माई, यूअर, अवर, देयर, हर, हिज, ये सब क्या है, पजेसिव है। तो ऐसे ही एपोस्ट्रॉफ एस लगा के बनाते हैं। जैसे पहला नियम क्या कहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष नाम के साथ एस लगा के, एपोस्ट्रॉफ एस लगा के, जैसे मोहनस फ्लूट, मतलब मोहन की बांसुरी, मोहनस फ्लूट मोहन की बांसुरी, इंडियास प्रॉब्लम भारत की समस्या, ठीक है। और आगे चलें, नाउन के अंत में यदि स आए, इसे जरूर समझ लीजिएगा, यदि नाउन के अंत में स आए, जैसे अभी हमने बॉय का बॉयज हो जाएगा, मोहन मोहनस हो गया, लेकिन हम यदि स साउंड आ जाए आखिरी में, तो एपोस्ट्रोप के स्थान पे हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोप लगाते हैं, फिर एस नहीं लगाना है। जैसे बॉयज हॉस्टल, अब देखो बॉय का बॉयज प्लुरल फॉर्म हो गया, उसके बाद एपोस्ट्रोप एस लगा के आप पजेसिव बनाओगे, तो वो बोल रहा है कि यदि स साउंड आ चुका है तो आप दोबारा एस मत लगाओ, मतलब बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, देखिए एपोस्ट्रोप के बाद फिर से एस नहीं लगाया, मतलब लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का स्कूल। और आगे चलो, कंपाउंड नाउन हमने पढ़ा था, ऊपर सिंगुलर से प्लुरल बनाया था, तो हमने क्या किया था, रूट वर्ड को प्लुरल बनाया था। यहां देखो कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में एपोस्ट्रॉफ एस लगाना, मतलब फादर इन लॉज ऑफिस, ये आखिरी शब्द, इसमें एपोस्ट्रॉफ एस लगा के प्लुरल बनाया। वहां क्या किया था, रूट वर्ड फादर था, तो फादर्स इन ला किया था प्लुरल के लिए। इंजीनियर इन चीफ्स हाउस, तो चीफ में आखिरी शब्द में एपोस्ट्रॉफ एस लगा के। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ऊपर चलो। स्टेपसन्स प्रॉब्लम, ठीक है, स्टेपसन मतलब दत्तक पुत्र या जो सोतेला पुत्र है उसकी प्रॉब्लम। संयुक्त अधिकार बताने के लिए अंतिम शब्द में एपोस्ट्रॉफ एस लगा के, संयुक्त अधिकार, जैसे मोहन एंड सोहन्स शॉप, मोहन की और सोहन की दुकान, तो आप संयुक्त वर्ड है ये मोहन एंड सोहन, तो दोनों में नहीं लगाना है, मोहन्स एंड सोहन्स नहीं करना, मोहन एंड सोहन्स। राधा एंड निशा स्कूल, मतलब राधा और निशा का स्कूल। वो आगे चलो, रामू एंड राजू ज्वाइंट अकाउंट, रामू और राजू का ज्वाइंट अकाउंट। पांचवा नियम क्या कहता है, ईच अदर, वन अनादर, एवरी वन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, इनके बाद के साथ भी एपोस्ट्रॉफ एस लगा के, जैसे एपोस्ट्रॉफ एस लगाना है खाली। तो आई हैव फाउंड समवन्स बुक, समवन में क्या किया, एपोस्ट्रॉफ एस लगाया, तो किसी की बुक, आई हैव फाउंड, मुझे किसी की बुक मिली है। वी लाइक वन अनादर्स पेंस, अनादर्स पेंस, किंतु इनके बाद यदि एल्स का उपयोग हो, मतलब किसके बाद, जैसे अनादर के बाद एल्स आ जाए, एपोस्ट्रॉफ एल्स में लगाया जाता है। फिर एपोस्ट्रॉफ एस कहां लगाना है, एल्स में, जैसे रानी लाइक्स एवरीबडी एल्स सजेशन, एवरीबडी आया, बाद में क्या आ गया, एल्स, तो एल्स के बाद एपोस्ट्रॉफ एस लगा दिया। इडियम तथा फ्रेजेस में एपोस्ट्रॉफ एस का उपयोग होता है, तो इडियम और फ्रेजेस एज इट इज होते हैं, इनको बदल नहीं सकते, तो ये सीधे सीधे आपको पढ़ना है, जितने याद रह जाए अच्छा है, बाकी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो द सन्स रेज, हार्ट्स कंटेंट, द अर्थ क्रिएचर्स, हेवंस विल, एट वंस विट्स एंड, आउट ऑफ हार्म्स वे, द सोल्स डिलाइट, द ओशंस रोर, द ट्रेन्स अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, द स्टोन्स थ्रो, द शिप्स पैसेंजर, द बोट्स क्रू, ये एज इट इज रहेंगे। अ स्टोन्स थ्रो है तो अ स्टोन्स थ्रो ही रहेगा, द स्टोन्स थ्रो नहीं कर सकते आप। और कुछ विशेष स्थितियां, जैसे वन डेज लीव, टू डेज हॉलीडे, नेचर्स ब्यूटी, हेवंस मर्सी, वन किलोग्राम्स वेट, टू ग्राम्स वेट। अब इसमें यदि कहीं डाउट आता है तो इसको पहले इस पे डिटेल में पढ़ लेना, यदि कहीं डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब जो है रिमेंबर बाय हार्ट, मतलब ये मेन टॉपिक आ गया हमारा, इसमें वो नियम पढ़ेंगे हम जो एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे आपको, ठीक है, तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों यदि
इसका डिटेल पढ़ना हो तो लिखा हुआ तो यहाँ पढ़ सकते हो, वीडियो में मैंने समझा ही दिया। यदि फिर भी कहीं डाउट आता है तो मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास उपलब्ध है, घर बैठे भी कहीं से भी आप इस इंग्लिश कोर्स को मेरे से पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।